ये देखो भाई, ऐसे रास्तों में कुछ ऐसी परेशानी होती है। सिंगल पे पलटे हमें कुछ ऐसे ले जाना पड़ता है, और ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमें भाई ऐसे लोगों को ले जाना पड़ता है, और काफ़ी दिक्कत आती है इसमें, पर क्या करें, मजबूरी है, इसको बोलते हैं दोस्तों मजबूरी। कि ये वाला भी देखो, ये वाला भी पूरा खत्म हो रखा है, ब्लॉग भी नहीं देख पाते आप क्योंकि इसका फोन चार्ज होता नहीं। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में, देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से और मेरे गाँव एरोली से, जहाँ से मैं आपके लिए प्यार से ब्लॉग बना रहा हूँ। अभी हम जा रहे हैं दोस्तों बीदीखाल की ओर, क्योंकि दोस्तों आज हमारा पेपर है, तो सबसे पहले पेपर देने जा रहे हैं बीदीखाल। बाकी आज का मौसम दिखाता हूँ आपको, कितना अमेजिंग हो रखा है। तो आज का मौसम देखो दोस्तों, इतना अमेजिंग हो रखा है, दीबा पर्वत से देखो कितने खतरनाक बादल लगे हुए हैं। बाकी अभी ठीक सुबह का मौसम है, तो अभी सुबह के ठीक 8 बज रहे हैं, और अभी देखो मौसम कितना औसम हो रखा है। बाकी मेरे साथ है साहिल, और साहिल भी घर आ चुका है, और अभी साहिल का भी पेपर है और मेरा भी पेपर है, हम दोनों जा रहे हैं। बाकी काफ़ी सारे लोग तो हमें रास्ते में मिल जाएंगे, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं, यानी काफ़ी सारे दोस्त हैं हमारे पेपर देने वाले, तो चलिए निकलते हैं जल्दी से, क्योंकि 9 बजे से हमारा पेपर है और 1 घंटे में हमें पहुँचना है, एडमिट कार्ड भी निकालना है, बहुत सारे काम करना है, तो निकलते हैं जल्दी से। तो चलिए जी दोस्तों, अभी हम निकल चुके हैं, और आजकल ना दोस्तों बारिश के कारण रोड काफ़ी ज़्यादा स्लिपी हो जाती है, क्योंकि कहीं पर इस तरीके से पत्थर गिरे होते हैं, कहीं पे दोस्तों इस तरीके से पानी भरा होता है, तो ऐसे में ना दोस्तों रोड काफ़ी ज़्यादा स्लिपी हो जाती है। बाकी अगर आप आजकल पहाड़ों में ट्रैवल करने की सोच रहे हैं, तो ट्रैवल को दोस्तों आजकल बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि बारिश के कारण ना दोस्तों पहाड़ों में रोड पे बहुत ज़्यादा खतरा होता है। तो चलिए जी दोस्तों, अभी हम ठीक पेपर देके भी आ गए, और उस टाइम से मतलब ज़्यादा टाइम मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि भाई लेट हो गया था, एडमिट कार्ड निकालना था और लेट हो गया था, तो सीधा गया एडमिट कार्ड निकाला और सीधे कॉलेज में पेपर देने। बाकी पेपर मस्त से हो चुका है और पेपर भी ठीक ठाक ही गया है। बाकी दोस्तों बालों की हालत देखो कितने ख़राब हो चुके हैं, और बाकी हम सीधे आ गए कि पेपर दिया, पेपर छूटा और सीधे नीचे के लिए, क्योंकि भाई घर पे भी चले जाते हैं जल्दी, बीदीखाल में भी क्या करना था, कुछ नहीं है वहाँ पे भी, तो हम जल्दी से आ गए। साहिल भाई कैसे गया आपका पेपर, ज़रा बताना कैसे गया। तो गाइस, शायद भाई की फीलिंग्स से आप समझ सकते हो कि उनका पेपर कैसे गया है। बाकी अभी ना दोस्तों हमें ठीक सतुखाल के ऊपर, और ये नीचे के लिए ना पूरा सतुखाल मार्केट है ठीक यहाँ, और बाकी यहाँ से नीचे ये है छोटा सा पैखुली गांव, और पैखुली गांव की एक बात है कि यहाँ देखो भाई लिंक रोड चली गई, तो ये कामयाब बहुत अच्छा हुआ। बाकी ये रोड सीधा दुबलाण गई है, और इधर साइड को ना नीचे दुबलाण है, इस साइड को, इधर साइड को नीचे दुबलाण है, तो वहाँ भी रोड चली गई, मतलब ये जाएगी और शायद चली भी गई होगी, तो बढ़िया। ये काम काफ़ी मस्त हो रहा है, मतलब कि लोगों को ना बहुत ज़्यादा लिंक, मतलब लोगों को ना बहुत ज़्यादा मतलब सुविधाएं मिलेंगी, कि जैसे किसी बुज़ुर्ग की तबीयत ही ख़राब हो गई, तो उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है हमारे यहाँ, कि भाई किसी की तबीयत ख़राब हो गई, कोई गिर गया, तो भाई उसके लिए ना हमें जल्दी से सुविधाएँ नहीं मिल पाती, यानी रोड ही नहीं है तो भाई कहाँ से ले जाओगे, तो भाई वही होता है। तो ऐसी रोडें गाँव गाँव तक पहुँच जाएगी, तो मतलब स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, तो यही चीज़ें होनी चाहिए हमारे गांव में। बाकी हमारे गांव में तो रोड जो बनी है वो जब तक परिंडा नहीं पहुंचेगी तब तक उस रोड की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब ऐसा है कि बस इधर से हमें घूम के जाना है, बस ऐसा है कि ऊपर तक हम गाड़ी मंगा सकते हैं, और जब वो बिरूखाल टच होगी तब जाके हमारे लिए रियल, मतलब जो रियल फ़ायदा होगा वो तभी जाके होगा। तो चलिए दोस्तों निकलते हैं अब अपने घर की ओर, और यहाँ से जाएंगे हम मस्त न्यूटन। ये बच्चों की छुट्टी हो गई यहाँ। बाकी रोड की हालत देखो भाई, रोड की हालत इतने ख़राब है, इतने ख़राब है कि क्या ही बताऊँ। इस पर गाड़ी चलाना महाभारत है, महाभारत, और जब बारिश आ जाए तो फिर तो और ज़्यादा महाभारत है। अभी हम पहुँच गए ठीक कदोला गांव के सामने, और ये ऊपर दोस्तों कदोला गांव है। बाकी यहाँ पे एक दुकान खुल चुकी है, जो कि आपने मेरे पिछले वाले ब्लॉग में भी देखा ही होगा। बाकी अब तो हम पहुँचने वाले हैं अपने गाँव की ओर, अब इस मोड़ के बाद हमारे ही गाँव है। तो चले जी दोस्तों, फाइनली हम पहुँच चुके हैं ठीक अपने गाँव के मंदिर के ऊपर, और मैं तो यहाँ पर बैठा हूँ, ये चला गया फिर से धूप में, शायद इसको लग रही है ठंड। बाकी यहाँ पे मस्त सुकून है यहाँ पे गाइस, यहाँ पे ना मस्त हवा चलती है, तो यहाँ पे मस्त सुकून है। ओए ऊपर नहीं चढ़ने का, गलत बात है, ऊपर नहीं चढ़ने का। नमस्ते नमस्ते, आ गए तू स्कूल से? हैं, क्या पढ़ा आज? क्या पढ़ा, क्या पढ़ा? और क्या पढ़ा?
स्कूल बैठी आयुष भी आ गया दोस्तों स्कूल से। तो क्या पढ़ा रहे आज आया काका? दोस्तों ठीक टाइम देखो, ठीक 5:07 हो चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं दोस्तों तल्ली अरुली की तरफ। और वहाँ ना दोस्तों कोई बॉडी है यानी ताई है, उनकी पैर पे चोट लगी थी तो उनको लेके जाना है ऊपर, वो चल नहीं पा रही और उनको ऊपर छोड़ना है ठीक रोड में। तो वहाँ से वो चले जाएंगे कल शहरों की तरफ जहाँ उनका इलाज हो पाए। तो भाई हमारे गाँव की कहानी यही है, हमेशा से यही रह गई है कि भाई कुछ ऐसे ले जाना पड़ता है, मतलब उनको प्लेस में ले जाना पड़ेगा अब हमें। और फिलहाल हमारे गांव के रास्तों के हाल देखो कैसे हो रखे हैं। पर आजकल तो दोस्तों सावन का महीना है, बारिश का पूरा मौसम है, तो भाई उसके चक्कर में देखो झीड़ झाड़ इतनी ज़्यादा हो जाती है ना, क्या ही बताऊँ, बाकी पूरे रास्ते ख़राब हो जाते हैं। ये देखो भाई हमारे यहाँ ना खेतों में सोरों ने कुछ ऐसा विनाश कर रखा है कि क्या ही बताऊँ। ये देखो भाई पूरे खेतों में उन्होंने गड्ढे कर रखे हैं, यहाँ भी कर रखे हैं और इस साइड को नीचे को देखो, अगर नीचे को भी देखोगे इन खेतों में, तो इन खेतों में पूरे गड्ढे कर रखे हैं और पूरी फसल की ना एकदम हालत ख़राब है। यहाँ देखो इस वाले खेत में देखो, ये देखो कितने गड्ढे कर रखे हैं। तो चले जी देखो लेके आ गए वो लोग उन ताई जी को, देखो भाई। तो भाई आज भी ना हमें कुछ ऐसे ले जाना पड़ता है और ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमें भाई ऐसे लोगों को ले जाना पड़ता है। तो सही बात है, ये हमारे 22वीं सदी का भारत है। ऐसे स्ट्रगल है हमारे गांव में अभी भी। तो भाई आज भी हमारे पहाड़ों में बहुत सारे गांव ऐसे हैं, ऐसे लोगों को मतलब पहुंचाया जाता है। ये देखो भाई ऐसे रास्तों में कुछ ऐसी परेशानी होती है। सिंगल में पलटे और भाई इन रास्तों पे ले जाना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि भाई रास्ते देखो कितने ख़राब है और इन रास्तों पे भी हमें ऐसे ही जाना पड़ता है। तो अभी भाई हम आ चुके हैं ठीक ऊपर और पहला स्टॉप यहाँ पे, बाकी लाली कहीं पीछा नहीं छोड़ता है। देखो भाई लाली कहीं पीछा नहीं छोड़ेगा हमारा। क्यों लाली, मेरे को तो सीधा पहचान लेता है। बारिश के चक्कर में देखो भाई रोड में पूरी रोड टूट रही है, इधर से पूरी टूट रही है, नहीं तो नीचे गाड़ी आ जाती है और उसके चक्कर में हमें कुछ ऐसे जाना पड़ रहा है। नहीं तो भाई नीचे भी गाड़ी आ सकती थी, पर पूरी रोड क्षतिग्रस्त है और अभी भी ना काफ़ी बेकार रास्ता है और काफ़ी दिक्कत आती है इसमें, पर क्या करें मजबूरी है, इसको बोलते हैं दोस्तों मजबूरी कि ले जाना तो पड़ेगा ही। तो यह है मजबूरी भाई। यह हमारा आराम से सिंगल पकड़े ना तो वर पकड़ा तुम यार, पिछले वाला कहीं उठा लो देखिए दोस्तों हर एक का समय होता है। यह देखिए यह कटप्पा है जिनको आपने बाहुबली 2 में देखा होगा, तब इनके हाथ में बहुत बड़ी तलवार होती थी, लेकिन अब क्या करें बुढ़ापा आ गया इन पे, अब छड़ी है और अब ये छड़ी पकड़ के चल रहे हैं। प्लस ये देखिए प्लस साथ में पहाड़ी टोपी, हमारे पहाड़ की मतलब ये पहाड़ी का टप्पा है तो हमारे पहाड़ की मतलब हमारे पहाड़ के कल्चर को भी दर्शा रहे हैं। अभी तक पहाड़ जिंदा है बोला। और इस छड़ी को आप नॉर्मल छड़ी मत समझना, क्योंकि ये छड़ी भाई कभी भी तलवार के रूप में बन सकती है, मतलब तलवार के रूप भी ले सकती है, तो ये छड़ी तलवार से कम नहीं है। इसको बोलते हैं कटप्पा की जादुई छड़ी। ये देखिए पसीना भी बहुत आ रहा है, पसीना देखिए। हेलो कटप्पा जी, ये देखिए बिल्कुल बूढ़े हो चुके हैं आप कटप्पा जी, कैसे सांस फूल रही इनकी, कभी ये लोगों की सांसें फूलाते थे और आज इनकी फूल, आज खुद इनकी सांस फूल रही है। आज इनकी वेशभूषा देखिए कुछ अलग टाइप में दिख रहे हैं। और ये शायद इन्होंने जो बाहुबली को धोखे से मारा था उसका प्रकोप है इनके ऊपर। ये देखिए कटप्पा चले गए अपने गंतव्य स्थान की तरफ।
और गांव में ना दोस्तों देखो इतने बुजुर्ग बुजुर्ग लोग भी सीधा हेल्प करने के लिए आते हैं, तो गांव में ना सारे लोग बिल्कुल ऐसे कामों में ना सबसे पहले आगे से आते हैं। मतलब जैसे कि देखो इतने बुजुर्ग लोग हैं, ये लोग मतलब लेके तो नहीं आ सकते बट सपोर्ट करने के लिए ना हमेशा आते हैं। उन ताई जी की ना देखो इस वाले पैर पर लगी है, तो इस वाले पैर पर चोट लगने के कारण ना वो चल नहीं पाते हैं, तो भाई इसीलिए बाकी बीच में उनका ठीक हो गया था बट फिर से उनके पैर पे चोट लग गई तो भाई चलने में उनको दिक्कत, इसलिए भाई वो अब जाके जाएंगे शहरों की ओर और अपना इलाज करवा के आएंगे, तो इसीलिए हम उनको ऊपर लेके आए। देखो वो पैर बिल्कुल, ये देखिए भाई पैर नहीं रख पा रहे वो बिल्कुल भी। या कम लगी और बसा ले रहा अब खुद बोल लगी बात कम लगी यार ये ताज क्या हाँ गति पर चाहे जो शुद्धि के लिए पार शुद्धि कम लगी देख अन्ना तेरा पता है जरा है उनके सर पे भी लग गई भाई। प्रधान जी क्या कर रहे हो यार? प्रधान जी खराब है यार, प्रधान जी खराब है। अभी ना दोस्तों चले गए वो भी, और हमारे पहाड़ों में ना आज भी ऐसा स्ट्रगल है। बाकी कुछ बारिश के चक्कर में रोड़े टूटी, उसके चक्कर में भी कुछ हुआ, क्योंकि अगर रोड़े ठीक होती तो नीचे तक ही आ जाते, ये रोड हमारी पूरी बन जाती तो सीधा यहीं से मतलब बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाता, मतलब वही बात है। और इधर से तो बहुत ज़्यादा घूम के, बाकी वैसे भी वो आज सैतुखाल रहेंगे और उसके बाद कल ही जाएंगे शहरों की ओर। यहाँ से भाई व्यू चेक करो दीवा पर्वत का कि कितना अमेजिंग व्यू अभी आ रहा है, और वाह यार दिल गार्डन हो गया। और ये पूरा व्यू, बाकी ये पूरे डुमेला गांव है, ये तल्ला डुमेला है, ऊपर मल्ला डुमेला है और वो वीरो खाल है। तो भाई बाकी हमारा ये व्यू कुछ अमेजिंग ही। तो भाई हमारे पहाड़ों में जितनी सुंदरता है उतनी हमारे पहाड़ों का जीवन भी थोड़ा कठिन है, बट सुकून हमारे पहाड़ों में ही है। यहाँ से अमेजिंग तो जो दीवा पर्वत के ऊपर जो हल्के फुल्के बादल क्या है यानी फॉग जो है ना वो काफ़ी अमेजिंग लग रहा है भाई। अभी देखो भाई पूरा टूट रखा है और इसी से ना सारे स्कूल के बच्चे इसी से स्कूल जाते हैं, यानी इसी वाले रास्ते से जाते हैं, और ये भी पूरा टूट रखा है देखो, ये देखो, और ऐसे बना रखा है अब कि थोड़ा बहुत जाने के लिए हो जाए। यहाँ से भी देखो भाई, यहाँ से भी पूरी रोड ख़राब, यानी यहाँ से पूरा लैंडस्लाइड हो रखा है और यहाँ भी पूरा टूट रखा है। ये वाला देखो दोस्तों, ये वाला भी पूरा ख़त्म हो रखा है, यहाँ भी मतलब पूरा आ रखा है, और इधर से देखो इधर भी हो रखा है। देखो भाई ये है हमारे ट्रांसफार्मर के खंभे, और ये भी पूरा का पूरा टूट चुका है, ये भी पूरा नीचे आ गया। वो तो अच्छा हुआ कि उससे पहले दोस्तों यहाँ शिफ्ट हो गया था हमारा ट्रांसफार्मर, नहीं तो भाई यहीं पे रहता तो अब गेम था उसका, और फिर 2-3 महीने तक हम बिना लाइट के ऐसे ही रहते। फिर कल हमारे प्रधान जी ने बहुत जल्दी जल्दी काम करा दिया, नहीं तो हो जाना था फिर गेम। क्यों प्रधान जी? हेलो फ्रेंड्स, और ब्लॉग भी नहीं देख पाते आप क्योंकि इसका फोन चार्ज होता नहीं। हाँ, वही तो फिर ब्लॉग भी नहीं आ पाते। अरे इसकी तो खुदा ही की बैटरी डाउन है। किनकी? इसकी? अच्छा इसकी सुजल की? अच्छा इसकी इसकी साहिल 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 की तो है यार। जी मम्मी तो लग गई अब एल्बम देखने पे धर्मू भाई की शादी की। बाकी करते हैं इस ब्लॉग को अब यहीं पे समाप्त और विदा लेते हैं आपसे, मिलेंगे आपको एक नई और मजेदार धमाकेदार ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट गाइस। Oh, oh, oh.